किसी भी काम को करने की अगर ठान ली जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इस बात को एक बार फिर साबित किया बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने। बालाघाट मुख्यालय से जिले के अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित गांव में अधिकारियों की फौज लेकर खुद कलेक्टर और एसपी आदिवासियों के बीच ग्राम सोनगुड्डा और राशिमीडा पहुंचे और जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए तय समय पर लोगों की समस्या को हल करने की बात की, साथ ही सख्त लहजे में कहा कि समय पर लोगों की समस्या हल न हुई तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, बढ़वार, फौती, राशन कार्ड समेत राजस्व से जुड़े दस्तावेज न मिलने से शासन की कई योजनाओं से वंचित लोग अपनी समस्या लेकर पहुँचे। यहाँ की जन समस्या निवारण शिविर में ज्यादा प्रचार हो नहीं पाया पानी की वजह से, बरसात की वजह से। यहाँ पर आए थे अडोरी, दुल्लापुर, चारघाट, सोनगुड्डा, खुदापार। पटवारी पे काफी नाराज हुए थे, पटवारी के ऊपर बहुत नाराज। एक ज्वाइंट हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन अभी एक प्रारंभ किया है, जिसमें कि सप्ताह में कम से कम एक बार या 15 दिन में एक बार हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, ग्रामीणों की समस्याएं वहां पर सुनी जाएंगी और जो भी समस्या उनको उनका निराकरण उचित स्तर पर करने का प्रयास किया जाए। चुनाव के द्वारा प्रभावित होकर या उनके बल लगाने से कोई अन्य विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं, तो इसी उद्देश्य के चलते अभी हम लोगों ने साहब और मैंने ये एक योजना भरोसा नाम से शुरू की है, जिससे कि हम दोबारा इन गाँवों का, ग्रामीणों का सरकार और शासन के प्रति विश्वास और भरोसा जागृत कर सकें।